हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आप क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर करो। क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता है भाई, सुबह 7 बजे आप लोगों की क्लास होती है एलजेब्रा की, जो प्रेजेंट में चल रही है। 3:15 बजे आप लोगों की स्टैटिक्स की क्लास होती है और शाम को 7:15 बजे आप लोगों को भाई न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास मिलती है, राइट। ये अपनी भाई क्लास की टाइमिंग चल रही है प्रेजेंट में। तो ये क्लास अपनी एलजेब्रा की है, तो स्टार्टिंग करते हैं आपा। प्रीवियस पार्ट के अंदर भाई जर्नली आपने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक, हर्मिशियन मैट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन, राइट। ये 4 मैट्रिक्स प्लस आपने 2 एग्जांपल कर लिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती थी, रिवीजन कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती थी भाई, साथ साथ बोलना, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक अपने पास क्या होती थी, जब मेरे पास ए किसके बराबर, जो मैट्रिक है और मैट्रिक का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और ये किसके इक्वल हो, मैट्रिक के ट्रांसपोज के, तो आप क्या बोलते थे भाई, आप सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते थे। उसके बाद अपने पास आती थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। वो अपने पास क्या होती थी भाई, जब ए किसके बराबर हो, माइनस ए के ट्रांसपोज के। उसके बाद अपने पास हार्मिशियन मैट्रिक्स आती थी, ठीक है, हार्मिशियन मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता था, जब मेरे पास ए किसके बराबर हो, ए थीटा के। उसके बाद स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक, ये क्या होता था, जब मेरे पास ए किसके बराबर हो, माइनस ए थीटा के। तो ये 4 मैट्रिक्स आपने प्रीवियस पार्ट के अंदर की थी। तो अपा 2 एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं, आज करते हैं एग्जाम्पल थर्ड की जो स्टेटमेंट है अब वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। अब स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है स्टेटमेंट, सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। क्या बोल रहा है भाई कि मेरे पास क्या है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, और उस स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है, जो डिटरमिनेंट है, और उस डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है वो जनरली क्या है, ओड है। अगर ये होगा तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। और में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ओड ऑर्डर इज अ सिंगुलर मैट्रिक, ठीक है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जिस मैट्रिक का जो ट्रांस मतलब डिटरमिनेंट है, अगर मेरे पास क्या आ जाए, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, तो इस मैट्रिक को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक। और अगर मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक, ठीक है। तो जनरली अपने को प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ करना है कि जो मेरे पास ए है, यहां पर लिख लेते हैं, गिवन क्या है, जो मेरे पास ए है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। टू प्रूफ के अंदर क्या है कि जो मेरे पास डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि जो ये मैट्रिक है, अगर मैं मैट्रिक का डिटरमिनेंट निकालता हूं, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, ये गिवन है मेरे पास कि ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, ठीक है। क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। अब डिटरमिनेंट को जनरली इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये क्या ले लिया मैंने, डिटरमिनेंट ले लिया, कोई दिक्कत। अब देखो, जो मेरे पास ये है, क्या जो ए मैट्रिक है, ये जनरली क्या होगा, इसको लिख सकता हूं -1n। क्यों लिखा है, ध्यान से देखना, -1n, ये माइनस का साइन मैंने बाहर निकाला, -1n लिख दिया, और जहां पर n क्या है, मेरे पास ओड है। और जब मेरे पास -1n हो, अगर n क्या है, मेरे पास ओड है, तो ये जनरली -1 आता है, और जब ये इवन है तो मेरे पास क्या आता है, +1 आता है। तो n क्या है, मेरे पास ओड है, तो ये क्या आएगा, मेरे पास ये आएगा -a', ठीक है। इस साइड क्या चल रहा है, ए चल रहा है। अब इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, तो ये होगा ए का डिटरमिनेंट, ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का,
ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो. तो ए का डिटरमिनेंट प्लस ए का डिटरमिनेंट जनरली क्या हो गया, टू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो. और यहां से टू इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा. और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था. ठीक है, जस्ट क्या किया है, स्क्यू सिमेट्रिक थी, डिटरमिनेंट लिया, सोल्व किया, बात खत्म. ठीक है, प्रूफ क्या करना था कि जो मैट्रिक्स है जर्नली क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक होगी. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आ जाती है तो जर्नली उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल. अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हेडिंग डाल लो, पहले हेडिंग के अंदर लिखो सम ऑफ लिखो, हेडिंग लिखो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. साथ की साथ नोट्स बनाओगे, दिक्कतें नहीं आएगी. ठीक है, और अगर आप इसको कल पे छोड़ दोगे, सोचोगे वीडियो देख लें, बात खत्म, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगी. तो क्या करना है, जो आप लोगों को नोट्स है ना, वो साथ की साथ प्रिपेयर करने हैं. रिवीजन करते टाइम भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है. तो जनरली यहां पर क्या होता है भाई, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, आप लोगों ने देखो जो सम है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का, इसको जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं हाफ ए प्लस ए डैश से. ठीक है, ए का ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज. और जो स्क्यू सिमेट्रिक है इसका जो सम है वो मतलब इसको लिखते हैं आप हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज. ठीक है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक का सम की बात आती है तो जनरली आप क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं. क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं. और यही अपने पास क्या होता है भाई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम है वो अपने पास ये होता है. ठीक है, ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक होगी उसका क्या होगा, ए मैट्रिक है और सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, इसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. ठीक है, अब इसके ऊपर यहां पर लिख देते हैं, तो जो मेरे पास सम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज. ठीक है, अब देखो आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी. राइट, अब आप एग्जाम्पल करते हैं. बोला क्या गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक. अब मैट्रिक क्या दे दी, मैट्रिक है मेरे पास ए है माइनस वन सेवन वन टू थ्री फोर और फाइव जीरो फाइव, ये मेरे पास मैट्रिक है. ठीक है, ए मैट्रिक दे रखी है और बोल क्या रखा है भाई, क्या करो सम फाइंड आउट कर दो. सम फाइंड आउट करना है किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक. तो सबसे पहले देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मेरे पास क्या है, ये रहा मैट्रिक्स, ये है माइनस का वन सेवन वन टू थ्री फोर फाइव जीरो फाइव प्लस. अब क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो इंटू कॉलम कर देते हैं. ठीक है, ये मेरे पास कॉलम है, इंटू रो कर दो या रो इंटू कॉलम, बात एक ही है. ठीक है, चेंज करते हैं, माइनस का वन टू फाइव और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वन सेवन थ्री जीरो वन फोर फाइव. ठीक है, और जब आप इसका सम करोगे तो सम जनरली मेरे पास क्या आएगा, इनको ऐड करना है. ठीक है, ऐड करोगे तो आप लोगों को जो मिलेगा दैट इज माइनस वन माइनस वन माइनस का टू. अब मैट्रिक को ऐड करना तो आई थिंक आता होगा. ठीक है, ये तो बेसिक बात है, इन दोनों को ऐड करोगे दैट इज नाइन, ये वन और फाइव सिक्स हो गया, ये टू और सेवन दैट इज नाइन, थ्री थ्री मेरे पास सिक्स हो गया, फोर प्लस जीरो मेरे पास फोर हो गया, फाइव प्लस वन सिक्स हो गया, जीरो प्लस फोर फोर हो गया और फाइव प्लस फाइव मेरे पास टेन हो गया. ठीक है, अब जर्नली अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाफ
ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी देखो, क्या चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए भाई हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मेरे पास ये पूरी एक्सप्रेशन है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा 9/2, ये मेरे पास 3 आ गया, ये मेरे पास 9/2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। क्या कर रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। ये कितना आएगा, 3 आएगा, ये आप लोगों के पास 2 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये चीज अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर मैं ये आप लोगों को फाइंड आउट करके बता चुका हूं, कोई दिक्कत। अब देखो, अब आप क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वो क्या आएगा भाई मेरे पास, वो आएगा ए लिखो -1 -7 1 2 3 4, साथ साथ बोलो 5 0, साथ साथ रिपीट करो, समझ रहे हो यार, साथ साथ बोलोगे ना चीजें क्लियर समझ में आती हैं, आपका जो माइंड है ना वो एक्टिव रहता है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता रहूंगा, आप ऐसे कर रहे होगे, है ना, तो उससे अच्छा है चीजों को साथ साथ क्या करो, बोलते रहो, साथ साथ बोलोगे, आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा और पूरी क्लास के अंदर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो क्या करना है जल्दी बताओ, क्या करना है, साथ साथ बोलना है, बोलो साथ साथ। अब क्या करना है मेरे को, ए का ट्रांसपोज, माइनस का साइन आएगा क्योंकि जनरली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, साथ साथ बोलो यार, आवाज नहीं आ रही, घरवालों को पता लगना चाहिए तुम लोग पढ़ रहे हो, तो साथ साथ बोलो, करो इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 1 2 5 7 3 0 1 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है इसमें से, ये माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये जनरली मेरे को क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये 0 आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा -4, ये आएगा माइनस का 5 0 4 4 -4 0, ये मेरे पास क्या आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। अब चाहिए क्या मेरे को, मेरे को चाहिए भाई हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ये कैसे आएगा, क्या करो, इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 से जस्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये तो मेरे पास 0 ही रहेगा, ये आएगा 5/4, ये मेरे पास माइनस का 2 आ गया, ये मेरे पास माइनस का 5/2 आ गया, ये मेरे पास 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 -2, और ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो सम के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए मेरे को टर्म हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब दोनों टर्म्स है मेरे पास, तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो मेरे को सम चाहिए, तो उसके लिए क्या करने वाला हूं मैं, सबसे पहले ये वाली टर्म लिखते हैं, तो ये रही मेरे पास माइनस का 1 9/2 3 9/2 3 2, बोलो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 2 5, आवाज नहीं आ रही, 3 2 5, ठीक है। प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर इस टर्म को बोलो क्या है, बोलो, आवाज नहीं आ रही, 0 5/2, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे क्या है, माइनस का 2, फिर क्या है, -5/2, फिर क्या है, 0, देन 2, 2 माइनस 2 और 0, क्या दोनों को ऐड कर सकते हो, क्या इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताओ क्या आएगा, आप कहोगे लिख दो -1, कर सकते हो ऐड, तो ऐड करके क्या अपने पास एक्सप्रेशन आएगी, जल्दी से बताओगे, जल्दी बताओ, आप लोगों के पास 30 सेकंड है, डू इट फास्ट। हो गई कैलकुलेशन, अब मैं बताता हूं क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 1 7 1 2 3 4 5 0 5 5 0 5, अब कहोगे याद कर रखा था क्या जो डायरेक्ट लिख दिया, है ना, ऐसे मन में आएगा ना कि याद कर रखा था क्या जो डायरेक्ट लिख दिया, नहीं भाई याद नहीं कर रखा था। अब देखो मैं आपको चीजें समझाता हूं, ये जनरली मेरे पास क्या है, क्या ये गिवन मैट्रिक है, जो अपने को मैट्रिक शुरू में दे रखी थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, क्या ये वही है, चेक करो, बिल्कुल वही है।
तो यही तो इस आर्टिकल के अंदर अपने को पता करना है एक्चुअली क्या है। अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का सम लेता हूं, सम लेने का तरीका ये है, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक का सम है और ये मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। तो क्या होता है, ये जनरली अपने पास हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। समझ गए, जब आप लोग इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करोगे तो ये जनरली क्या आने वाली है, ये ए के इक्वल आने वाली है, ठीक है, समझ गए। तो ये जनरली क्या मेथड होता है अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक का जो सम है उसको कैलकुलेट करने का ये अपने पास क्या है, मेथड है, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, जो स्टार्टिंग से क्लास अटेंड कर रहा है, तो ये जनरली मान के चलो आपका लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, लेक्चर नंबर क्या है, 5 है। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जस्ट करना क्या है, यूट्यूब पे टाइप करो एलजेब्रा बाय एके, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी और उस प्लेलिस्ट के अंदर जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट देखो, क्योंकि वहां पर मैंने जो मैट्रिक का बेसिक है, बेसिक इन द सेंस कि आप जो प्लस टू के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है, प्लस टू के अंदर जैसा पढ़ के आए हो वैसे ही मैंने बिल्कुल बेसिक से जो आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट है उसकी स्टार्टिंग की है, ठीक है, और वहां पर मैंने सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली बता रखी है, क्लियरली इन द सेंस की बेसिक से जमा, ठीक है, जिसको मैट्रिक नहीं आता ना वो भी देख सकता है वहां पर, राइट। तो अब स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है भाई, ये आप लोगों का जनरली एग्जाम्पल नंबर 5 था, अब आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वे एज द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली, ध्यान से सुनना, इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या बोल रहा है भाई कि अपने को जो अभी एक्सप्रेशन प्रूफ किया है ना, यही क्या करना है, स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करना है ये चीजें क्या है भाई, ट्रू है, ठीक है, ये चीजें क्या है, ट्रू है, यही इसने स्टेटमेंट के अंदर बोला हुआ है कि भाई मैट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक को स्क्वायर मैट्रिक है ये मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक को शो करने का सिर्फ यही अपने पास क्या है, एक ही तरीका है, ठीक है। तो अब इसको क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। इसके लिए जो आपने प्रीवियस पार्ट में एग्जाम्पल नंबर 2 किया था वो काम आने वाला है। अब बोल क्या रखा है कि ए मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक। अब एग्जाम्पल नंबर 2 याद करना होगा भाई आप लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप लोगों को याद है तो वहां पर, यहां पर मैं फोटो भी डाल दूंगा, देख लेना एक बार, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था अपना, ठीक है, राइट, ये अपना क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान में आ गया, कल नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में से एक बार देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है, 15 सेकंड आप लोगों के पास, नोट्स में से एक बार देख लो, चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। देख लिया, चब चलते हैं आप, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक तो इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो मेरे पास क्या होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सब याद आ गया, ये प्रूफ करना था, जर्नली बोला गया था ए अपने पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, तो ये क्या करो, प्रूफ करो, ठीक है, क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक का जो सम है उसको जर्नली आप इस तरह से लिखते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, ये अपने पास क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर ए मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक, then a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा,
क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड है। अब आप कंसीडर करके चलते हैं, मान लिया, और ये अपने को पता है अभी क्वेश्चन के थ्रू किया है कि ये चीजें, मतलब जो मैं लिख रहा हूं ये ट्रू होता है, अभी जस्ट एग्जांपल किया है, अभी जस्ट एग्जांपल किया है, और ये मानना है, मतलब आपा ने प्रूफ किया है कि जो ये वैल्यू है ना ये क्या होती है, बिल्कुल सही होती है। तो ये मेरे पास एक वे है, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा है, जहां पर जो ये टर्म है, मैं मार्कर चेंज करके लिख देता हूं, ये जो टर्म है यहां पर, इसको जनरली आप P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P, और जो ये टर्म है इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। P मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, और Q मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो P क्या है मेरे पास, P इज सिमेट्रिक, लिख लो यार पूरा, P की वैल्यू क्या है, पेपर में ऐसे ही करके आना है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और Q मेरे पास क्या है, हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो, समझ में आ गया, आप क्या कर सकते हैं, a को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, और इनका जो सम है अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए को। ये अपन ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब इसको क्या करना है, टू प्रूफ। ए क्या है मेरे पास, स्क्वेयर मैट्रिक है, और जो ये एक्सप्रेशन है ना ये यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि ये एग्जिस्ट करता है, जो कंसिडर किया है ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करो, किसका फोन आ रहा है यार, मैं क्लास में हूं, लाइव चल रहा है, देखो भाई यहां पर क्या प्रूफ करना है अपने को, कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो यूनिक है, और ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल के थ्रू पता लग गया। अब इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए जनरली मैं क्या कर लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक है, R प्लस एस वेयर, R क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, R क्या है, सिमेट्रिक है, और जो मेरे पास S है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या है सिमेट्रिक का, जो मेरे पास R है वो किसके बराबर होगा, R ट्रांसपोज के, और जो मेरे पास S है वो किसके होगा, माइनस एस ट्रांसपोज के, राइट। अब देखो मेरे पास क्या है, A इज इक्वल टू आर प्लस एस, ये आपने लेट किया है, ठीक है, ये आपने मान लिया कि ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड इसको नाम दे दो, इसको फोर्थ नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज और ये क्या होगा, आर प्लस एस का ट्रांसपोज, इसको क्या लिख सकते हैं, आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज। अब इक्वेशन नंबर थर्ड से देखो, जो R ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, R के बराबर है, तो ये लिख दिया R, और जो मेरे पास S ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, माइनस S के, तो ऐसे भी बोल सकते हो ना, S इज इक्वल टू माइनस S ट्रांसपोज, तो S का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस S के इक्वल है, तो ये आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि जो A ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, R माइनस S के। इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ कंसीडर कर लो, और इसको इक्वेशन नंबर सिक्स्थ कंसीडर, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, दोनों को एक बारी ऐड कर दो, एक बारी सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा भाई, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहां से क्या आया, ए दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस, ऐड कर रहे हैं आर माइनस एस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, a प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2r, और यहां से मेरे पास जो r है उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, उसकी वैल्यू आ गई 1 बाई टू ए प्लस a का ट्रांसपोज आ गया, और 1 बाई टू ए प्लस a का ट्रांसपोज किसके बराबर है,
ये आ गया मेरे पास p के बराबर। ठीक है, तो यहां पर जर्नली अपने को क्या प्रूफ करना था, जर्नली अब देखो मैं ध्यान से समझना, अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, मैंने पहले नहीं लिखा था, ये लेट किया था ना। ठीक है, अब आप प्रूफ जर्नली क्या करने वाले हैं, आपने जो यहां पर टू प्रूफ करना था वो क्या था, ध्यान से सुनना। अब टू प्रूफ जो आपने ये एक्सप्रेशन लेट की है कि जो मेरे पास ए है वो किसके बराबर है, आर प्लस एस के, और जो आपने स्टार्टिंग में ए मानना था वो किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू यहां से ये पूरा एक्सप्रेशन पी है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, क्यू है। तो अगर मैं यहां पर आर को पी के बराबर प्रूफ कर दूं और एस को क्यू के बराबर, एस को क्यू के बराबर प्रूफ कर दूं, तो क्या मेरा ये जो वाला इक्वेशन का रिजल्ट है ये प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से देखो यहां पर क्या किया था, यहां पर आपने और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मान ली थी, एक तो आर माननी और एक एस माननी, क्या करेंगे आर को पी के इक्वल दिखा देंगे, एस को क्यू के इक्वल दिखा देंगे, अपना काम खत्म। अभी क्या किया था, एड किया था, तो यहां पर देखो आर इज इक्वल टू पी आ गया, ये अपने को टू प्रूफ के अंदर था। ठीक है, आगे देखो आप चीजों को समझ के चलना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, समझ के चलना है। उसके बाद देखो जो मेरे पास फिफ्थ और सिक्स्थ है इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू टू एस आएगा। ठीक है, तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये जर्नली अपने पास क्या है, q है, ये किसके बराबर आ गया, s इज इक्वल टू क्यू आ गया। ठीक है, r इज इक्वल टू पी आ गया, s इज इक्वल टू क्यू आ गया, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो अपने पास ये एक्सप्रेशन है ये क्या है भाई, यूनिक है, हेंस द एक्सप्रेशन इज यूनिक, हेंस द एक्सप्रेशन इज यूनिक। समझ गए, अब इसके कहने का मतलब क्या था, इस थ्योरम का ये मतलब, जो कहने का मतलब था वो यही था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक है और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है, उनका जो सम है, अपन जो इक्वेशन नंबर थर्ड लिखी है ना, इसी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का जो सम है वो रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही 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 तरीका है। समझ गए, जनरली यहां पर ये लिया, अब प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, और मैट्रिक मान ली, एक तो आर मान ली और एक क्या मान ली, एस मान ली। आर क्या थी मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक थी, एस क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक थी। अब ये यूनिक है तो ये जनरली किसके बराबर आना चाहिए, आर P के बराबर आना चाहिए, एस क्यू के बराबर आना चाहिए, वो अपना आ गया, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करते हैं फिर। अब हेडिंग डालो भाई, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक, सेम टू सेम चीजें हैं जो अभी प्रूफ के अंदर की है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो आप खुद से कर सकते हो, फिर भी आई थिंक रिवीजन हो जाएगी, ट्राई करते हैं आपा करेंगे। तो हेडिंग क्या है भाई, सम ऑफ, ठीक है लिख लो, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। अब ये क्या होता है भाई, इसको जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मेरे पास ए होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा, सेम टू सेम है। यहां पर क्या था, ट्रांसपोज था, यहां पर क्या था, ट्रांसपोज था, यहां पर अपने पास क्या आ गया, थीटा आ गया, और ये जो एक्सप्रेशन है ना ये भी क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन इज यूनिक, जैसे आपने पहले प्रूफ किया था। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मेरे पास हर्मिशियन मैट्रिक है और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक है तो उनका जो सम है
उसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही तरीका है, समझ रहे हो? उसके जो सम का फॉर्मूला है वो यही है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो? कहने का मतलब जो यूनिक है उसका यही मतलब है कि आपका जो सम है वो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल चलो कर लेते हैं, क्लियर ही होगा, ठीक है? एग्जाम्पल 7 है, एक्सप्रेस स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब मैट्रिक क्या दे दिया आप लोगों को, वो मैं यहां लिख देता हूं। ये मेरे पास कोई ए मैट्रिक है, क्या गिवन है मेरे पास, गिवन है 5 - 3 iota, 2 iota, 3 + 5 iota, 6, 7 iota, 1 - 4 iota, माइनस का 2 + 7 iota, 4 iota और 7। अब इसके अंदर जो गलतियां होती है ना वो जनरली आयोटा के अंदर होती है, ठीक है? जो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली आप जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, ए प्लस आयोटा बी, ध्यान से समझ लेना भाई, मैं कोई चीजें एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो मैं थोड़ा स्ट्रोंग कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो ये कंसेप्ट बताने वाला हूं इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो यहां पर ए है ना इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो पार्ट होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? जब आप लोगों को कंजुगेट करना होता है, कंजुगेट को जनरली अगर जेड के ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब होता है कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, अगर सही से बोलें तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ठीक है? कैसे डिनोट करते हैं इसको, जो आयोटा का साइन है ना उसको चेंज कर देते हैं, बस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहां पर प्लस था कंजुगेट कर रहे हैं तो क्या कर दिया, समझ गए क्या करना होता है, जस्ट जो कॉम्प्लेक्स आयोटा के सामने वाला साइन है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है? ये मेरे पास कोई जेड है, और नेक्स्ट आप लोगों के पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्यू, ये अपने पास है सी प्लस आयोटा डी। अगर आपको बोल दिया जाए कि दोनों को ऐड करो तो ऐड करने का भी तरीका होता है भाई। अब तरीका क्या है कि रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट ऐड होता है, तो ए प्लस सी होगा, ठीक है? प्लस का आयोटा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होता है, इस चीज का भी समझना। अब इसको एग्जांपल से समझो, 1 + 3 iota, ठीक है, या आयोटा 3, जैसे भी लिखना है मर्जी आपकी। और ये मेरे पास क्या है, 2 + iota 5, तो इसका एडिशन करोगे तो क्या होगा, 1 + 2, ठीक है? ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, सॉरी रियल पार्ट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, और आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा 3 + iota 8, तो ये इसका क्या हो गया, जनरली सम हो गया। इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? इस वजह से मैंने सोचा बता दे, क्योंकि दिक्कतें आएंगी आप लोगों को, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता, कॉम्प्लेक्स सुनते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है? वो सोचते हैं अब कॉम्प्लेक्स आ गया मेरे से तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स की ये सिंपल सी कहानी थी जो मैंने बताई है, ठीक है? थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टी है, ये लगा लो, ये आपा ने गर्दन पकड़ी है, पूरी बॉडी बाकी है अभी, ठीक है? जैसे कॉम्प्लेक्स की गर्दन पकड़ ली, पूरी बॉडी तो बच गई ना इंसान की, तो उसी तरह से ये लगा लो, पूरी बॉडी कॉम्प्लेक्स का चैप्टर है, उसके अंदर से गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली तो ये लगा लो ये मेन पार्ट था कॉम्प्लेक्स का, गर्दन पकड़ते इंसान चित, समझ रहे हो, गर्दन दबा दी गया, तो इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स का गर्दन वाला पार्ट था। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट अपने को करना है भाई कि ए किसके बराबर होगा, ये शो करना है, हाफ ए प्लस थीटा प्लस हाफ ए माइनस थीटा, ठीक है? तो कैलकुलेट करते हैं आप ए प्लस थीटा, ए क्या है मेरे पास, ये रहा 5 - 3 iota 2 iota 3 +
5 iota, 6 7 iota, 1 minus 4 iota, ये होता है माइनस का 2 प्लस 7 iota, 4 iota और ये 7। अब ए थीटा क्या होता है मेरे पास? ए थीटा होता है भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज, समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या करना है, जहां जहां कॉम्प्लेक्स है उसके जो साइन है उसको चेंज कर दो, यानी कि कंजुगेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 iota, ये क्या हो जाएगा 3 minus 5 iota, ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 7 iota। यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दो, ठीक है। 1 plus 4 iota, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। कॉम्प्लेक्स वाला ध्यान रखना है, ये आयोटा वाला जो साइन है ना ये चेंज करना होता है, ये हो जाएगा माइनस का 7 iota, इसके साथ मत पड़ जाना, कहीं 2 के साथ लगे रहो, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 4 iota और ये हो गया 7। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो मैं यही लिख देता हूँ, ए थीटा आ जाएगा मेरे पास, इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करेंगे तो इसका 5 plus 3 iota, 6 6, और ये हो जाएगा माइनस का 2 minus 7 iota, ठीक है, ये माइनस का 2 iota, माइनस का 7 iota, ये हो जाएगा माइनस का 4 iota, ये हो जाएगा 3 minus 5 iota, 4 plus iota और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐड करना है आप लोगों को, ऐड करने का तरीका आपको बता दिया है, उम्मीद करते हैं आप लोग खुद से ऐड कर सकते हो, कर लोगे ऐड, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं, चलो लिख देते हैं। तो इन दोनों को क्या करना है, अब ऐड करना है, तो आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, जल्दी से ऐड करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा। डू इट फास्ट, अभी हाफ रहता भाई अपना, ठीक है, वो भी करेंगे लास्ट में, जल्दी करो। ऐड करने का तरीका भी बताया था, देखो हो गया होगा तो ठीक है, वरना एक बारी देख लो यार, बता देते हैं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने ये ऐड करना, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो रियल के अंदर रियल वाला पार्ट ऐड करते हैं, ये लो भाई कर दिया, माइनस का 3 प्लस का 3, ठीक है, ऐड करोगे बीच में तो प्लस का साइन आना है, आयोटा बाहर लिख दिया, ये माइनस का 3 है, ये किसका है प्लस का 3 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बच गया मेरे पास, 10 बच गया, क्या बच गया 10 बच गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से देखना, चलो मैं एक बारी डायरेक्ट लिख देता हूं कैलकुलेशन क्या आएगी, या 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, चलो यही लिख देते हैं, इसको 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको मैंने 2 से भी डिवाइड कर दिया है, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि आगे जगह नहीं बची, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से, ये मेरे पास आएगा 5 3 plus iota, 1/2 minus iota, 3 minus iota, 0, 1/2 minus 4 iota और 1/2 plus iota, 1/2 plus 4 iota और ये मेरे पास क्या आ गया 7 आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत? ये जनरली क्या किया है, 2 से भी डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, जो ये इनको ऐड किया आंसर आया उसको मैंने 2 से भी डिवाइड करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों को हाफ ए माइनस ए थीटा कैलकुलेट करना है। अब ये मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं, ये आपका काम है, जस्ट क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, ये सारी चीजें देखो, ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट किया ए थीटा, यानी कि ए थीटा ये कैलकुलेट कर रखा है, ए मेरे पास है तो यहां पर ए लिखो, माइनस ए थीटा लिखो, और मेरे को क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करके आंसर बता दो क्या आएगा। 30 सेकंड देते हैं आप लोगों को, टेल मी द आंसर, क्या आंसर आएगा, ठीक है, जल्दी करो भाई, ये आपका बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 7 है। और पेपर के अंदर है ना, अलग से करके आना होता है आपको, अलग से इन द सेंस की सारी चीजें डिटेल में बता के आनी होती है, ऐसी नहीं लिख के आना जैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मेरे पास तो जगह कम थी आपको समझाना था इस वजह से। तो मेरे पास यहाँ पर जो स्क्यू सिमेट्रिक का 2 से डिवाइड करने के बाद जो सम आंसर आएगा दैट इज 3 minus का 3 iota, माइनस का 3 प्लस iota, 5/2 प्लस 6 iota,
ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यार करना खुद से ट्राई। कोई डाउट आता है, इंस्टाग्राम आईडी है अपनी क्रिएटिव स्टडी एके के नाम से, वो आप लोगों को हेल्प करेगी आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। 5/2 + 6/8 राइट। तो देखो अब इन दोनों को ऐड करोगे, स्कोर इसको, तो जर्नली क्या आएगा, वो ए के बराबर ही आएगा। ठीक है, ए प्लस थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा। ठीक है, इसकी जगह ये वैल्यू रखना, इसकी जगह ये वैल्यू रखना, और ये किसके बराबर आएगा, जर्नली जो अपने पास ए था ना स्टार्टिंग में, उसी के बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए होगे, राइट। अब आगे देखो, उसके बाद है आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? अब एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आप लोगों को प्रूफ करना है भाई, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना आप लोगों का काम है, वो खुद से कर सकते हो, क्योंकि अभी सेम टू सेम क्वेश्चन आपने प्रूफ किया है, किसके लिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो सेम टू सेम मेथड रहेगा हार्मेशियन और स्क्यू हार्मेशियन के लिए, तो एक बारी खुद से ट्राई करना। कोई डाउट आता है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मेरे से डाउट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लास की टाइम होगी यार, ठीक है, उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी भाई, सुबह 7 बजे, तो रेडी रहना, 7 बजे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, फ्री लेक्चर हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर भाई आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताओगे हमें भी पता लगेगा कि भाई आप लोग सारी चीजें क्लियरली समझ रहे हो, ठीक है, और हमारा भी जो आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, जितने ज्यादा कमेंट होते हैं अच्छे वाले, राइट, और आपका इतना प्यार है कि अभी तक अच्छे ही कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे कमेंट करते हो तो वो कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, जय हिंद।